हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जिन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। थर्ड ग्रेड टीचर रीट मेंस का जो रिजल्ट है कब तक जारी होगा, सभी अभ्यर्थियों को इंतजार है। जिन्होंने एग्जाम दिया था वो चेक करना चाहते हैं कि भाई हम शिक्षक कब बनेंगे, तो बेसब्री से इंतजार आप लोग कर रहे हैं। तो आपका जो रिजल्ट है उसको लेकर यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है, तो जो भी यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं हरिप्रसाद शर्मा, उनका बयान भी सामने आ रहा है। उन्होंने सीईटी के लिए बोला था कि आंसर की जो है 4-5 दिन में जारी हो जाएगी, और जारी हो चुकी है। कल जो है सीईटी 10+2 की जो आंसर की है वो चुकी है। तो अब फाइनली जो है आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो तृतीय श्रेणी शिक्षक है, थर्ड ग्रेड टीचर है, उसका रिजल्ट भी जो है आने वाला है। तो कब आएगा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, तो एंड तक आपको वीडियो को जरूर देखना है। तो आपकी जो यहां पर एग्जाम हुई थी रीट मेंस की, उसका आयोजन कब कब किया गया, तो यहां पर 25, 26, 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को आपकी जो एग्जाम है इसका आयोजन किया गया, ठीक है ना। इसके बाद में जो आंसर की है ऑफिशियल आंसर की आपकी कब जारी हुई, तो 18 मार्च को नोटिस आता है आंसर की का। उसके बाद में आपत्तियां मांगी जाती है कि अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन की अगर हम बात करें तो 20, 21, 22 तीन दिन आपको दिए जाते हैं, तो 20 से 22 मार्च के बीच में आपसे ऑब्जेक्शन मांगे जाते हैं। अब फाइनली आप लोग को इंतजार है कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो मैं आपको बता देता हूं। एक प्रेस वार्ता के दौरान, एक जो है पत्रकार के इंटरव्यू के दौरान, जो बोर्ड अध्यक्ष हैं वो बताते हैं कि सीईटी के बारे में कुछ बातें उन्होंने बताई तो बिल्कुल सही जा रही है। सीईटी का रिजल्ट भी जल्द आने वाला है, आंसर की आ चुकी है। उसी प्रकार से उन्होंने जो है यहां पर थर्ड ग्रेड जो शिक्षक भर्ती है इसका रिजल्ट को लेकर भी जो है बात की है उन्होंने। उन्होंने कहा कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ रिजल्ट जारी होना बाकी है। तो यहां पर जो भी विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, यहां पर जितने भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, उनका जो इंतजार है वो यहां पर खत्म होने वाला है। आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक जारी हो जाएगा। तो यहां पर थर्ड ग्रेड की अगर हम बात करें, लेवल फर्स्ट की, लेवल सेकंड की, दोनों को मिलाकर 48,000 पोस्ट है टोटल। अब ऐसा तो है नहीं कि जिन्होंने रीट मेंस एग्जाम दिया था लाखों की संख्या में अभ्यर्थी थे और सिलेक्ट यहां पर कितने होंगे, ओनली 48,000। तो बाकी के अभ्यर्थी क्या करें, तो यहां पर अगर आपके कम मार्क्स बन रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार मेरा तो थर्ड ग्रेड में नहीं होगा, ठीक है ना, तो आगे क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है D++B को लेकर, KVS, NVS को लेकर, कि सेंट्रल लेवल पर हजारों की संख्या में जो है वैकेंसी आने वाली है, तो आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास मौका है कि आप जो है PW के जो यहां पर टीचिंग वाले हैं उनके साथ में जुड़कर अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। टॉप फैकल्टी आपको वहां पर पढ़ा रही है। आचार्य बैच जो है आपके D++B, PRT का, TGT, PGT का जो यहां पर बैच है वो लॉन्च हो गया है। मात्र ₹999 में आपको शानदार तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। आपका जो पहला पेपर है, आपके सब्जेक्टिव पेपर है, सारी चीज यहां पर कवर होंगी, जिसमें आपको PDF, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलने वाला है। अगर आप मेरा कोड लगाते हैं GC100 तो आपको इंस्टेंट 100 रुपीज का ऑफ भी हो जाएगा। तो यहां पर टीचिंग वाले का ऐप का जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ऐप को डाउनलोड करिए और कोर्स परचेज करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो बात रही आपके रिजल्ट की, आपका थर्ड ग्रेड का रिजल्ट जो है कब तक आएगा, इसकी कंफर्मेशन मैंने आपको बता दी है कि आपका जो रिजल्ट है वो यहां पर अंतिम सप्ताह तक जारी हो जाएगा अप्रैल महीने के अंदर, ठीक है। जो भी अपडेट आ रही थी, जो आपके बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया है, इसके अलावा जो भी अपडेट आ रही है ट्विटर पर, इसके अलावा आपके न्यूज़पेपर में, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। तो ये सटीक इंफॉर्मेशन है, अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। बाकी अपने राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, राजस्थान में जो है 12,000 वापस वैकेंसी आने वाली है। संस्कृत शिक्षा वाक के अंदर भी जो है आपके साइंस की, हिंदी की, इनकी जो वैकेंसी है ये भी आने वाली है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, जो भी अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। धन्यवाद।